from where you buy your stuff. इतने क्यूरियस होते हैं ना ये लोग। ठीक है, दारू तो मत पियो भाई। अंकल आप पीते हो 2 ड्रिंक दिन की? पीते हो कि नहीं पीते हो? कभी नहीं पीते हो? अरे जॉइंट वॉइंट पीना अंकल कभी मेरे को फ़ोन करके, मज़ेदार चीज़ है, आप वैसे भी खुद बना नहीं पाओगे तो मैं ही होऊंगा सोर्स। हम इंजीनियर। अच्छा, एक चीज़ जो है सब इंजीनियर सीख के निकलते हैं बस, बाकी वो साइंस को बाय बाय बोल के आते हैं। What is your future plan? भाई साहब हम क्या पागल लगते हैं आपको? अगर हमें फ्यूचर के बारे में पता होता या पता करना होता या फ्यूचर में रिस्क लेने का मन होता तो हम ये सब कर रहे होते क्या? कुछ फ्यूचर का प्लान ही नहीं है। ना तो देश का सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होगा या तो मैं जेल में होऊंगा। मैंने तो देश पे छोड़ा है प्लान। मैंने प्लान बनाने ही छोड़ दिया फ्यूचर के। मैं आज के लिए जी रहा हूँ। लोग पूछते हैं कल का क्या प्लान है, मैं बोलता हूँ कल सुबह बताऊँगा। सॉरी टू मेक यू फील बैड। कल मंडे है, हमें सब पता है। लेट्स रीड समथिंग एल्स। बचपन में कौन से कार्टून देखता था? नहीं, कार्टून मैंने अपने सिर्फ 2014 के बाद देखना शुरू किया। बचपन में मैं आपकी तरह रामायण देखता था, महाभारत देखता था। कार्टून्स मैंने 2014 के बाद देखा। कार्टून उसके बाद ही, उसके पहले कार्टून नहीं दिखते थे। अभी खाली कार्टून ही दिखते हैं। मोदी जी ने बोला था ना, मैंने बोला क्लाउड से रेडार, उनके रेडार से बच के हम निकल जाएंगे। मोदी जी एक प्लेन में बैठ के हम अगली बार रोड से जाएंगे, उनके रेडार को लगेगा ट्रक आ रही है। हेलो, हाय सर, क्या नाम है आपका? सेकंड रो में सुखनैब। क्या करते हैं आप? पायलट हो आप? मेरी वो वाली फ्लाइट पे क्यों नहीं थे? आपका टर्बुलेंस हुआ है कभी ऐसा 150 फीट ड्रॉप टाइप? अभी तक नहीं हुआ ना? होगा तभी पैसेंजर्स का रिकॉर्ड करना ना सब। मेरे को देखना है लोगों की गांठ फटते हुए। तभी लोग बेस्ट होते हैं। क्या हो रहा है? मैंने एक बार देखा था, मजा ही आ गया था यार। मेरे को इतना हंसा ना, पूरा प्लेन ऐसा धप 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 हो रहा है, धप धप, सामान वामान गिर रहा है। एक बंदा बोल रहा है, नेवर चीटेड ऑन माय वाइफ। मतलब ये क्या हो गया भाई? अभी मन में संभोग ही चल रहा है। समाधि दरवाजे पे खड़ी है, अभी भी संभोग चले जा रहा है। क्या मजा आता है यार ये सब चीज में ना। मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ भी होता तो मतलब मरे नहीं तो जोक तो पक्का लिख देंगे। ये मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, कार्टून ये तो हो गया। MS धोनी और सचिन तेंदुलकर, क्या पर्सनल सवाल पूछ लिया भाई इतने। सचिन तेंदुलकर हैंड्स डाउन भाई। मेरे को याद है वो शारजा डेजर्ट स्टॉर्म, मैं 8 साल का था तभी। जिंदगी में खुश होने के लिए बहुत कम रीज़न था सचिन तेंदुलकर छोड़ के। मैं शिवाजी पार्क में, मतलब शिवाजी पार्क में तुम बड़े हुए जहाँ पे तेंदुलकर ने अपनी कोचिंग चालू की भाई। वहाँ पे उसने गैप्स निकाले। एक टाइम पे 150 लोग खेलते थे उधर कि नेविगेट करता था तेंदुलकर फील्ड। हमने तेंदुलकर के इतना अर्बन लेजेंड सुने हैं ना। तेंदुलकर के हर एक बंदा जो शिवाजी पार्क में रहता ना, वो बोलता है तेंदुलकर ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा है। हर एक बंदा। और मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ यार। तो MS धोनी फार बेटर टीम प्लेयर। सचिन तेंदुलकर Gods are uncomparable. मेरे लिए तो fuck. तेंदुलकर is a, he inspired an entire generation to be self-centered. Like इनसेट ये देश वेश होते रहेगा। पहले अपने 100 सेंचुरी कंप्लीट करना बेटा। मैं बंदे को उसकी कमिटमेंट के लिए मानूंगा यार। 200 टेस्ट खेला भाई, ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको 1000 दिन चाहिए पूरा करना। 1000 दिन मतलब 1000 दिन क्रिकेट खेलने के लिए तुमको मिनिमम 25 साल क्रिकेट खेलना पड़ेगा अभी से। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी तो ख़त्म हो गया क्रिकेट। 5 दिन का गेम है जो 3 घंटे का हो चुका है। उसमें भी आप खुश नहीं हो तो ड्रीम 11 पे टीम बना लो। फोन में लग गए, टीवी में मजा आ रहा है, फोन में अच्छा है, टीवी में लौड़े लग गए, फोन में ये करते रहो पूरा ढाई। एक दिन प्रधानमंत्री आके बोलेंगे, जो युवा ड्रीम 11 पे टीम बनाता है क्या हम उसे बेरोजगार कहेंगे? नहीं मोदी जी, उसे हम छूतिया और बेरोजगार। कितना कमाते हो देखो, जितना खर्च कर सकूं उससे थोड़ा कम। मैं खर्चे ही नहीं करता यार नॉर्मली, क्या है कुछ नहीं है, मतलब मेरे को ऐसे डिजायर्स ही नहीं होते, जाओ कुछ लो। मुझे ऐसे ही एयरपोर्ट पे लोग कुछ देके जाते हैं, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, तभी ड्रिंक पीता था, तभी ड्रिंक लगा रहा हूँ, एक बताओ बिग फैन ऑफ नेवर गॉट योर शो। हाँ ठीक है, बट हियर इज माय वॉच ब्रो। ये लगता है मैं खरीदूंगा ये वॉच। मेरे में डिजायर ही नहीं है पैसा खर्चा करने का। और मैं मुंबई से निकल के पौंडीचेरी शिफ्ट हो गया, वहां पे तो होता ही नहीं है खर्चा। पनीर पफ 22 रुपया। या पौंडीचेरी इज ग्रेट मैन, इट्स ग्रेट। समटाइम्स आई एंजॉय इट सो मच, मस्त। कोई मुगलों के बारे में बात ही नहीं करता। साउथ इंडिया में भी इसको पढ़ा ही नहीं है। मैं कभी कभी सुना लगता है, को पता है बाबर ने कितना गलत किया? Who is that bro? आपका डीलर कौन है ये देखो वापस। डीलर कौन है? मैं ये नहीं, जोक कैसे लिखते हैं, कॉमेडिक लाइफ कैसे होती है, क्या भारत में कभी बदलाव आएगा, क्या वाले सच में नहीं। आपका डीलर कौन है, इंटरेस्ट ही अलग है इनके। टेक ऑन रिलीजन किसका भाई? तू क्या कन्वर्ट कराने आया मुझे? टेक ऑन रिलीजन भाई, हैवेंट, कितना तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है, क्या करवाऊँ? और मैं खुद जेल चला जाऊँ चल के। बेंचो, तुमने देखा है कितने फ्री है आजकल भाई साहब? वो के चक्कर में वो मेरी गांड तोड़ देंगे। मैं कभी बोल दूँ ना ये सब, मैं कभी बोल दूं ना हाँ, सबके नीचे खोदो, कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो अगर मैं कभी ऐसा बोल दूं, लौड़े लगा देंगे मेरे। यहाँ से हेलीकॉप्टर से कनाडा जाना पड़ेगा, बीच बीच में हॉल्ट मार के। नहीं बोल सकते भाई, रिलीजन पे कैसे बोलोगे, उनका धर्म है। और बोलना भी नहीं चाहिए, किसी की आस्था है। टेक ऑन रिलीजन। एक जन के थ्रिल के लिए ना सबकी गांड लग गई। मैं तो करना नहीं चाहता इनको एक्साइट, ये गांड हो जाएगा मंडे काम पे कल। मेरी लाइफ के मजे ले रही है ये। चुपचाप बॉस के साथ चाट चुटाई करके 15 साल में ग्रीन कार्ड लेके वहां बैठा होगा सैन फ्रांसिस्को पे। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बुढ़ापे में लॉयर के साथ। आपने क्या बोला था?